वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक DIY आई लैशेज कुशन कवर, जो कि मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये शेयर करूं कि आई लैशेज कुशन कवर किस तरीके से हम बना सकते हैं घर पे। तो इसीलिए मैंने अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आज मैं शेयर कर रही हूं आप सब लोगों के साथ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। और फ्रेंड्स, ये जितना देखने में सुंदर लगते हैं कुशन कवर, उतना ही इन्हें बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थैंक यू मेरे उन पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझको इतना मोटिवेट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुशन बनाने के लिए मैंने ये हाफ मीटर का एक फैब्रिक लिया है। थोड़ा सा ये सिल्क पैटर्न में फैब्रिक है, तो इसमें मुझे अस्तर नहीं लगाना पड़ेगा। कपड़ा जो है वो अच्छा थोड़ा सा मोटा होता है और कुशन कवर भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के कपड़ों का। तो मैंने यहाँ पर बनाना है फ्रेंड्स 18 इंचज़ मेरे को इसकी लंबाई लेनी है और 12 इंचज़ इसकी चौड़ाई लेनी है। 18x12 के जो कुशन कवर हैं वो वाला मुझे कुशन कवर यहाँ पर बनाना है। तो देखिए, हम यहाँ पर जो मेरी लंबाई और चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। और जो मेरा फैब्रिक है फ्रेंड्स, इसकी जो मेरी लंबाई है वो सफिशेंट है, मुझे कट नहीं करना पड़ेगा। और जो चौड़ाई है वो 12 की जगह मैं यहाँ पे 13 इंचेस ले रही हूँ। तो 13 इंचेस में मार्क कर लूँगी और मैं यहाँ पे अपने जो दो कुशन कवर हैं उनको कट करके मार्क करके निकाल लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें चाहिए हैं आई लैशेज। तो आई लैशेज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये A4 शीट पेपर लिया है। तो इसमें मैं एक सिंपल सी आई ड्रॉ कर लूँगी, बहुत आराम से आप कर लीजिए। और इतना इसकी जो बड़ी आपको रखनी है कि दो आइजेज आपके कुशन कवर में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे प्लेन बस सिंपल देखें, बीच में मैंने एक लाइन खींची है और ऊपर की तरफ एक हाफ सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। और रैंडमली ही जैसे आप लैशेज आपको ड्रॉ करनी है, तो एक तरफ से मैंने स्टार्ट करी है, हाफ पे जाके मैंने सेकंड दूसरी तरफ से स्टार्ट कर दिए। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल हैंड फ्री करके बनाइए, तो ज़्यादा पतली पतली आपको आई लैशेज नहीं बनानी है। तो इस तरीके से आप आई लैशेज यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैं हाफ सर्कल को अलग कट कर दूंगी और आई लैशेज को अलग कट कर दूंगी, क्योंकि हमें ऊपर वाला जो पोर्शन है उससे हमें आई बनानी है और नीचे हमारे जो लैशेज हैं उसके लिए हम अलग फैब्रिक को कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाला पोर्शन कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आई लैशेज़ को कट करूँगी, तो बहुत आराम से आप भी कट करेंगे, क्योंकि आई लैशेज़ के जो कॉर्नर्स हैं अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो आई लैशेज़ अच्छी नहीं लगेंगी। तो बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे। तो थोड़ा सा जहाँ पे हमने पेन से मार्क किया है उसे थोड़ा सा हटा के ही सीज़र से कट करेंगे और एक एक लैशेज़ को कम्प्लीट करते हुए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपने आई लैशेज़ भी कट कर लिए हैं और जो मेरा ऊपर वाला आई वाला पोर्शन है वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो अब इसके बाद हमें करना है, मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेंड्स ये दो फैब्रिक। तो एक यहाँ पे मैंने जो पहला ये फैब्रिक लिया है, ये मेरा कपड़े का ही फैब्रिक है, सीक्वेंस वर्क है इस पर रेड कलर का। आपने मेरी अगर पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने इससे कुशन कवर बनाए थे रेड कलर के ट्राइंगल, तो उसी के छोटे छोटे से ये कट पीस हैं। तो इससे मैं आई वाला पोर्शन यहाँ पर कट करूँगी। और उसके बाद ये है फेल्ट पेपर, आप किसी भी क्राफ्ट की शॉप पर या स्टेशनरी शॉप पे जाके इस पेपर को ले सकते हैं। तो इससे मैं यहाँ पे बनाऊंगी आई लैशेज। तो बस अब हमें करना क्या है, जो ये मेरा फेल्ट पेपर है इस पे मैं आई लैशेज को मार्क कर लूंगी। तो पेन से तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे एक चौक की हेल्प से जो मेरा आई लैशेज है उसको यहाँ पे मार्क कर लूंगी। और ये जो फैब्रिक है इस पे हम आई वाला जो पेपर हमने कट किया था वो हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो फेल्ट पेपर है ये A4 शीट का ही आता है, मतलब इसका जो साइज़ होता है वो A4 साइज़ ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ कॉर्नर से आई लैशेज जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। इसके बाद पेपर हमारा पूरा है और यहाँ पे देखिए मैंने लैशेज भी अपनी ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे, इस पेपर को हाफ फोल्ड कर देंगे, क्योंकि एक कुशन कवर में हमें दो लैशेज चाहिए। तो इस तरीके से इसे हाफ फोल्ड कर देंगे तो एक साथ हमारी दो लैशेज यहाँ पर कट हो जाएंगी।
और बस अब हम यहाँ पे अपनी आई लैशेज जो हैं वो यहाँ पे कट कर लेंगे। तो बहुत ही आराम से आप इजी तरीके से अपने आई लैशेज कुशन कवर घर पे ही बना सकते हैं। तो ये जो फेल्ट पेपर होता है इसको चिपकाना भी बहुत इजी होता है, आराम से फैब्रिक ग्लू से ही आप इसको किसी भी फैब्रिक पे लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने ऊपर आई वाला पोर्शन लिया था इसको भी मैं यहाँ पे फैब्रिक पे रख के मार्क कर लूँगी और उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे दो कुशन कवर बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे चार आई लैशेज कट कर ली हैं और चार ही मैं फैब्रिक कट कर लूँगी क्योंकि एक कुशन कवर में हमें दो दो आईज बनानी हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है कि मुझे कितना कितना कट करना है और जो मेरे को आईज बनानी थी उसके लिए भी मैंने यहाँ पे जो ये लैशेज हैं वो कट कर लिया है और जो मुझे ऊपर लगाना है आई वाले पोर्शन पे वो भी मैंने यहाँ कट कर लिया है। तो पहले मैं इसमें से दोनों कुशन कवर जो हैं वो कट करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद हमें सिंगल पीस से ही हम स्टिच करेंगे कुशन कवर। तो यहाँ पे मैंने ये पीस जो है अपना कट कर लिया है जिसकी लंबाई मैंने यहाँ पे ली है 39 इंचेस और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 13 इंचेस। तो ये वन पीस ही है, आगे और पीछे का सेम कपड़ा रहेगा। तो मुझे ये 18x12 का कवर बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, बस इसको हम ऐसे रखेंगे और साइड में से हम दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे हमारा कवर रेडी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वाले हमारे जो कॉर्नर्स हैं इनको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, उसके बाद हम दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने दोनों कॉर्नर को जो है वो स्टिच कर लिया है और मैं यहाँ पे एक सिंगल पीस से ही पूरा कुशन कवर यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। मैं कई पुरानी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आप कुशन कवर किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जब भी हम कुशन कवर बनाते हैं तो उसको उल्टा करके हमें इस तरीके से रखना होता है, मतलब सीधा पोर्शन अंदर करना होता है और जितना उल्टा पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो छोटा मुझे कपड़ा पीस रखना है वो मैंने अंदर किया है और बड़ा वाला ऊपर की साइड, दोनों तरफ से हम बस सिंपली यहाँ पे स्टिच कर देंगे और यहाँ पे हमारा कुशन कवर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 5 मिनट में ही हमारा कुशन कवर यहाँ पे रेडी हो गया है और स्टिचिंग के बाद आयरन ज़रूर कर लीजिएगा अपने कुशन कवर के ऊपर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुशन कवर रेडी हो गया है और हमारी कटिंग्स भी यहाँ पे रेडी हैं। तो आपको करना क्या है, आप पहले से ही इसके ऊपर रख के देख लीजिए कि लैशेज आपस में मतलब मिक्स तो नहीं हो रही हैं, कितना आपको डिस्टेंस बीच में रखना है। तो इस तरीके से आप पहले ऊपर वाला फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे हमने दोनों पीस कट करे थे आई लैशेज के तो एक के ऊपर देखिए इस तरीके से रखेंगे, इक्वल ही ये लैशेज आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, तो जैसे राइट वाला जो पोर्शन है उसको राइट साइड में रख रही हूँ मैं एक लैशेज का, लेकिन जब आप दूसरी तरफ वाला आई लैशेज रखेंगे तो उसको उल्टा करके रखेंगे, मतलब ये वाला कॉर्नर इस तरफ है तो इसको पलट के आप इस तरीके से रखेंगे जिससे आपके आई लैशेज जो हैं वो बिल्कुल इक्वल ही आएंगे। ये बहुत ध्यान रखिएगा वरना आपकी एक आईज बड़ी लगेगी और एक छोटी लगेगी। बस इस तरीके से आप पहले इसको रख लेंगे और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ फैब्रिक ग्लू का। तो इसी तरीके से बस रखे रखे ही मैं आराम से पूरे फैब्रिक में ग्लू लगा के और इसको धीरे से पेस्ट कर दूंगी। तो पेस्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप अपने कुशन कवर के अंदर की साइड पे न्यूज़पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा वरना वो बैक साइड में चिपक सकता है। और फैब्रिक यहाँ पे मैं पूरा पेस्ट कर चुकी हूँ, आई लैशेज पे भी मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ ग्लू को कि ये अच्छे से चिपक जाए फेल्ट पेपर। तो बस सिंपली बहुत आराम से आप इसको रखेंगे कि आपका फैब्रिक ख़राब नहीं हो, जहाँ पे बस आपको इसको लगाना है बस धीरे धीरे इसको इस तरीके से रखते जाएँ और अच्छे से आप इसको प्रेस कर दीजिए। बस इसी तरीके से आपको अपने सारे आई लैशेज और जो फैब्रिक है ऊपर वाला उसको इसी तरीके से पेस्ट करना है। तो देखिए बस यहाँ पर आपका बस
5 मिनट के अंदर ही पूरा कुशन कवर जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है ये रेड कलर का ऊन के टुकड़े ले रही हूँ, क्योंकि जो हमने ऊपर फैब्रिक लगाया था ये सिंपली बस कट किया था, तो इसमें से हल्के से थ्रेड वगैरह निकल सकते हैं, तो उसको भी मैं कवर करने के लिए यहाँ पे ये मैंने रेड कलर का एक ऊन का कट कर लिया है पीस, तो वही मैं इसके ऊपर बाउंड्री वॉल पर लगा दूंगी। फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही मैं इसको यहाँ पर लगा रही हूँ। आपके पास अगर रेड कलर की कोई अच्छी सी लेस वगैरह है या कुछ और है तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि आपका फैब्रिक जो है वो ऊपर से बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और थ्रेड वगैरह भी जो थोड़ा सा दिख रहे थे वो भी यहाँ पे बिल्कुल हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे आईलैशेस कुशन कवर बिल्कुल रेडी हैं, और वन पीस में मैंने आपको बताया कि आप कुशन कवर किस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। सिंपली कुछ भी कटिंग करके आप इस तरीके से पेस्ट करके और कुशन कवर यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो अपने लिए ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इन कुशन कवर को बनाना। जितना फ्रेंड्स ये देखने में सुंदर है उससे ज़्यादा इसको बनाना आसान है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ये आई लैशेस कुशन कवर DIY, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आपको कोई इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।